के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक हदीस सुनी है कि जब तुम खड़े होकर पानी पीते हो तो तुम्हारे साथ एक खौफनाक शैतान पानी पीता है। ये बिल्कुल झूठी रवायतें हैं। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है कि जो भूल के भी खड़े होकर पानी पिए वो क्या कर दे, वो रवायत भी मनसूख है, क्योंकि सही बुखारी में मौला अली अलैहिस्सलाम से मौजूद है कि जब वो कूफे गए तो वो जोहर से असर तक और असर से मगरिब तक लोगों को दीन सिखाया करते थे। सही बुखारी में मौजूद है। तो एक दिन मौला अली ने वजू किया, लोगों को वजू का तरीका सिखाया। जब वो यानी अमीरुल मोमिनीन थे, उन्होंने दारुल खिलाफा जो है वो कूफे में शिफ्ट कर लिया था, वहीं चबूतरे पे बैठ के लोगों को दीनी मसाइल सिखाते थे। तो एक दिन उन्होंने वजू किया, वजू का पानी बचा हुआ खड़े होके पिया और फिर फरमाया कि मैंने देखा है कि कूफे के लोग खड़े होके पानी पीने को मायूब और गलत और गुनाह समझते हैं। मैंने जानबूझ के खड़े होके पानी पिया ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वजू के बाद वाला साबित है, वैसे कोई नहीं साबित। उन्होंने कैटेगोरिकल बात की और कैटेगोरिकल जवाब दिया, ठीक हो गया जी, तो ये साबित है। इसके अलावा भी जामिया तिर्मिजी में अब्दुल्ला बिन उमर से हजरत अबू हुरैरा से मौजूद है रवायत सही सनद के साथ कि हम नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में खड़े होकर पानी भी पीते थे और खाना भी खाते थे, आप हमें मना नहीं करते थे। वो हदीसें मनसूख हैं। खड़े होकर पानी पीना और खाना खाना जायज है, अलबत्ता उमूमी सुन्नत नहीं है। ये उमूमी सुन्नत यही है कि बैठ के ही खाया पिया जाए। जैसे उमूमी सुन्नत यह है कि नमाज जनाजा आहिस्ता आवाज में पढ़ा जाए सिरन, जिसना सऊदीया में होता है, अलबत्ता ऊंची आवाज में जहरन भी नमाज जनाजा पढ़ना साबित है सही बुखारी में, लेकिन उमूमी सुन्नत सिरन है, जहरन नहीं है। दोनों तरीके ठीक है। क्या कब्र में सवालात